हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास पल्सर 150 की बाइक है और इसमें हम डिस्पैड जो है पीछे का चेंज कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान तरीका है चेंज करने का। एक बड़ा पेचकस के सहारे से पंप को दबा देना है और ये डिस्पैड खोलने के लिए देखिए एक रॉड लगी हुई रहती है छोटी सी तिल्ली, उसको निकाल लिए और देखिए डिस्पैड ख़त्म है। अब यहाँ पर हम नया डिस्पैड डालेंगे और जेन्युइन डिस्पैड है ये, हमने शोरूम से ही लाया है। और इस तरह से अगर हम लगाते हैं, अगर आसानी से लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो पहिए का नट हमें खोलना पड़ेगा और पूरा पहिया बाहर हमें नहीं निकालना पड़ेगा और बाहर से ही बाहर काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिस्पैड लगाएंगे और इसको हम बाहर उठा लेंगे, जो कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा लगाने में, बिल्कुल आसान ट्रिक है। यहाँ से देखिए मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ऊपर आ गया और हम आसानी से इसका ब्रेक शू फंसा लेंगे इसके अंदर और इसका छोटा तिल्ली डिस्पैड में जो रहता है ये इसको लगा देना है। ये तिल्ली को लगा दिया और इसमें एक लॉक भी रहता है, इसमें का लॉक खो गया है। और देखिए अब आराम से इसको फंसा देना है और थोड़ा सा ऊपर से हथौड़ी से चोट मार देना है, आसानी से चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल पर अपनी हुए तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का वीडियो आते रहेगा, आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए इस तरह से हमने ठोक लिया इसको, ये बैठ गया और अब हम इसका छोटा वाला जो बुश निकला था उस बुश को लगा लेंगे। बिल्कुल ये आसान तरीका है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मात्र 5 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा डिस्पैड लगा के। अब ये हमारा छोटा सा बुश है, इसे बुश का आपको ध्यान देना है और अब उधर से एक्सल को ठोक देना है और इसको कंप्लीट करके 22 का नट है उसको टाइट कर देना है। जब भी आप पीछे का ब्रेक शू चेंज करते हैं, कोई सी भी बाइक हो जिसमें डिस हो, तो इसी तरीके से आप चेंज करें, आपका टाइम बच जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। और कई बार आपको 22 का जो है नट वो खोलना भी नहीं पड़ेगा, ऊपर से ही आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह का वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई तरह का दिक्कत होता है तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, मैं आपका सहयोग करूँगा। थैंक यू।